2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात की चर्चा अभी से ही बिहार में हो रही है, क्योंकि महागठबंधन के ही नेता तेजस्वी यादव के नाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर महागठबंधन में घमासान मच गया है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि आगे सब कुछ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को ही देखना है, लेकिन नीतीश के इस ऐलान के बाद भी महागठबंधन के कुछ ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं। इन नामों में सबसे पहले नाम जो आ रहा है वो नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी अभी बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान वो तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से अधिक पढ़ा लिखा उनका बेटा है और उसमें सारे गुण हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और उन्हीं को लेकर जो है उनके पिता जीतन राम मांझी ने दावेदारी ठोक दी है कि संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो है 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और करीब 9 महीने तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2015 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा एक और नाम है, वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि आजकल जदयू में बागी हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ साथ अपने सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं और उनके निशाने पर सीधे आरजेडी है, आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी। तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश यह है कि उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं सीएम का सपना देख रहे हैं, वो भी बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में इस बात की चर्चा हुई थी कि बिहार में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कि डिप्टी सीएम, जो पद तेजस्वी यादव के पास है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का बगावती चेहरा देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो है खुलकर आरजेडी और लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा जो नाम है वो नाम है चिराग पासवान का। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, लोजपा रामविलास के मुखिया हैं, जमुई से सांसद हैं, वो लगातार जो है बिहार में दौरा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर अकेला चलो की नीति पर काम करेंगे। जिस तरह से 2020 में लोजपा पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था, क्या उसी तरह से चिराग पासवान भी 2025 में चुनाव लड़ेंगे? लेकिन चिराग पासवान को लेकर भी जो तमाम लोजपा के नेता हैं वो दावा करते रहे हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि बीजेपी चिराग पासवान के नाम पर मानेंगी या नहीं मानेंगी। अगर चिराग पासवान एनडीए में जाते हैं तो क्या कुछ होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन चिराग पासवान की भी दावेदारी है। तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री की अगर लिस्ट बनाई जाएगी कौन बन सकता है, तो उसमें कई ऐसे जो नाम हैं जो चाहते हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसमें एक नाम और है, वो नाम जो है बीजेपी में कई नेताओं का है, जैसे कि सम्राट चौधरी का नाम है, इसके अलावा नित्यानंद राय है। तो बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हैं, शहनवाज हुसैन का भी नाम आता है। तो इतना आसान तेजस्वी के लिए दिख नहीं रहा। तेजस्वी के नाम पर क्या कांग्रेस मानेगी, तेजस्वी के नाम पर क्या माले जो दल हैं वो मान जाएंगे? तो ये महागठबंधन में ये देखने वाली बात हो गई कि तेजस्वी के नाम पर जितने महागठबंधन की पार्टियां हैं वो क्या सहमत होती है। जीतन राम मांझी ने तो पहले ही मोर्चा खोल दिया, अभी जो है लोकसभा का चुनाव होगा, इसके बाद जाकर विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन इससे पहले ही जीतन राम मांझी ने खुलकर कह दिया कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे उनके बेटे हैं और उनके बेटे में वो सारे गुण हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए होने चाहिए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा अलग बागी तेवर अपनाए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कब तक जदयू में है वो कहा नहीं जा सकता,
क्या वो जदयू छोड़ेंगे, महागठबंधन छोड़ेंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, या फिर अपनी जो पार्टी उनकी थी आरएलएसपी क्या उसको जिंदा करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या कांग्रेस जो है वो तेजस्वी के नाम पर सहमत होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी जो है पुरजोर कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार जैसे ही महागठबंधन में आए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद राजद नेता ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब जो गद्दी है अपनी वो तेजस्वी यादव को दे देनी चाहिए, तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द सीएम बनाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 2025 में, यानी कि 2025 का जब चुनाव होगा तब तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। तो इसका मतलब है कि महागठबंधन का नेता जो है वो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव बनाना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन में जो तमाम पार्टियां शामिल हैं आरजेडी को छोड़कर, क्या जदयू भी तेजस्वी के नाम पर सहमत होती है? क्योंकि ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से जदयू में बवाल मचा हुआ है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा खोले हुए हैं, आरसीपी सिंह जदयू से निष्कासित कर दिए गए, जदयू से अलग हो गए, तो आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, क्या अगर नीतीश कुमार खुलकर अगर समर्थन करते हैं तेजस्वी यादव का, तो क्या और भी जो जदयू के नेता हैं, जो जदयू के विधायक हैं, एमपी हैं, वो तेजस्वी के नाम पर सहमत होते हैं? तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए यह राह उतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है। तो ये तो देखने वाली बात हुई कि 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त क्या तेजस्वी यादव के नाम का घोषणा किया जाता है और तेजस्वी यादव के नाम पर कितनी पार्टियां सहमत होती हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।